Good morning, children. I hope you all are safe and healthy at home. So let us start. Today we are going to learn number in words from 11 to 20. आज हम number को words में लिखना सीखेंगे 11 से लेके 20 तक. Now see, what is this? What is this? क्या है ये? ये क्या है? ये एक अंगूर का गुच्छा है. यहाँ पर कितने अंगूर के गुच्छे हैं? Let us count. अब हम इनको गिनेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. अरे वाह, very good. ये तो 11 है. यहाँ पे तो 11 लिखा हुआ भी है. 1, 1, 11. And what is the spelling of 11? E-L-E-V-E-N-11. E-L-E-V-E-N-11. अब ये बताइए, अंगूर जो हैं, वो खाने में कैसे होते हैं? खट्टे. किस सीजन में आते हैं? कौन से सीजन में आते हैं? समर, गर्मियों में आते हैं. अंगूर का कलर क्या होता है? ग्रीन और ब्लैक, हरे और काले रंग के होते हैं. इस कितने गुच्छे हैं अंगूर के? 11. 1, 1, 11. 11 की स्पेलिंग क्या होती है? E-L-E-V-E-N-11. 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 अब इन अंगूर की गुच्छों को हम यहाँ पर बोर्ड के पास रख देते हैं. कौन सा नंबर आया? 1, 1, 11 के बाद कौन सा नंबर आता है? अरे ये तो कुछ पिक्चर्स भी हैं. व्हाट इज दिस? IRTEE N 13. THIRTEE N 13. THIRTEE N 13. डबल ई मैम इसलिए बोल रही है, दो बार ई को डबल ई भी बोलते हैं. अरे तो फिर ग्रेप्स आ गए. इस बार तो और बहुत सारे हैं ग्रेप्स. व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये बंच है ग्रेप्स का. कितने बंचेस हैं ये? अब इसको हम फिर काउंट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Once again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. यहाँ पे लिखा है, आपको 14 पता है ना? 1, 4, 14. Spelling of 14 is F-O-U-R-T-E-E-N 14.
इसको भी हम नेक्स्ट व्हाट इज दिस व्हाट इज दिस ये क्या है अरे ये तो फ्लावर्स है ये तो फ्लावर्स है किसको फ्लावर्स पसंद है सबको पसंद है अरे इसमें कितने फ्लावर्स हैं हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर लेट्स काउंट इट वन टू लेट्स काउंट इट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर फिफ्टीन अरे वाह यहाँ तो स्पेलिंग भी लिखी है फिफ्टीन की व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ फिफ्टीन एफ आई एफ टी डबल ई एन फिफ्टीन एफ आई एफ टी डबल ई एन फिफ्टीन वंस अगेन एफ आई एफ टी डबल ई एन फिफ्टीन अच्छा जरा ये बताइए ये जो फ्लावर्स मैंने लगाए हैं फ्लावर्स कौन से कलर के हैं ये पिंक कलर गुड और ये जो एक शेप है जिसके ऊपर फ्लावर्स लगाए हैं व्हाट इज इस शेप को क्या कहते हैं किस कौन सी शेप है ये तो राउंड है सर्कल है क्या क्या चीज राउंड होती है सन राउंड होता है हाँ सूरज राउंड होता है ना गोल गोल होता है ना मम्मी की माथे की बिंदिया गोल सूरज चंदा गोल हाँ गोल मीन्स सर्किल मीन्स गोल अरे अभी तो ये तो एक ट्रेन जैसी बन गई अरे वाह ये क्या है व्हाट इज दिस व्हाट इज दिस दिस इज अ बॉल दिस इज अ बॉल पर यहाँ एक बॉल नहीं है यहाँ तो बहुत सारी बॉल्स है ना अरे इन बॉल का कलर क्या है येलो सबको बॉल से खेलना पसंद है ना है पसंद हाँ लेट्स काउंट कि यहाँ पर कितनी बॉल्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन हाउ मेनी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन हाउ आर यू ऑल I hope you all are happy and safe at your homes. आज मैं आपको environmental studies की क्लास में our houses के बारे में पढ़ाऊंगी. Today we will learn about our houses. Environmental studies lesson 7 our houses. Okay? Now tell me. Why do we need a house? हमें घर क्यों चाहिए होता है? Yes, we need a house to live in. जिससे कि हम घर में रह सकें. और घर हमें किन किन चीज़ों से बचाता है? A house protects us from heat, light, animals, wind. ठीक है? घर हमें बहुत सी चीज़ों से बचाता है जैसे कि सर्दी से गर्मी से वर्षा से एनिमल्स जानवरों से जिससे कि हम घर में सेफ रहते हैं इसलिए हम लोगों को हाउस चाहिए होता है अब आपके पास ये घर आ गया व्हाट इज दिस हाउस ओके ये
हाउस है, क्या है ये हाउस, वॉट इज दिस हाउस, वी नीड अ हाउस टू लिव इन, हमें घर रहने के लिए चाहिए होता है, वहाँ पे हम हर चीज से सुरक्षित रहते हैं, जैसे कि एनिमल से, रेन से, विंड से और बहुत सारी चीज़ों से हम घर में सुरक्षित रहते हैं, सेफ रहते हैं, इसलिए हमें घर की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अब आप लोग ये बताओ, क्या सबके घर एक से होते हैं? जब आप अपने नेबर्स के यहाँ जाते हो, फ्रेंड्स के यहाँ जाते हो, तो क्या सबके घर सेम होते हैं? नो, और डोंट हैव सेम हाउसेस, ठीक है? सबके घर एक से नहीं होते हैं, कईयों के छोटे होते हैं, कईयों के बड़े होते हैं, ठीक है? और सबकी शेप भी अलग अलग होती है। अच्छा, अब ये बताइए, घर किससे बना होता है? घर बहुत सी चीज़ों से बना होता है। घर बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? सीमेंट की, स्टोन्स की, स्टील की, ब्रिक्स की, तो घर बनाने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? अब हम ये पढ़ेंगे कि घर में क्या क्या होते हैं, तो बताइए, आपको पता है ना कि आपके घर में भी बहुत सारे रूम्स होते हैं, है ना? A house has many rooms, okay? घर में बहुत से रूम्स होते हैं, जैसे कि नंबर वन बेडरूम, नंबर वन बेडरूम, ओके? व्हाट डू यू डू इन द बेडरूम? बेडरूम में हम क्या करते हैं? इन बेडरूम वी स्लीप, वी स्लीप इन अ बेडरूम, वी स्लीप इन द बेडरूम, बेडरूम में हम सोते हैं, बेडरूम में हम सोते हैं। फिर आया, फिर कौन आ गया? ड्राइंग रूम, हमारे घर में ड्राइंग रूम भी होता है ना? ड्राइंग रूम में हम क्या करते हैं? ड्राइंग रूम में जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हम उनको ड्राइंग रूम में बिठाते हैं, ठीक है? When some guest comes to our home, we make them sit in the drawing room. Okay? Then number three, bathroom. Number three, bathroom. Now, what we do in the bathroom? Bathroom में हम क्या करते हैं? We take a bath in the bathroom. We take a bath in the bathroom. ओके, आप लोग सब नहाते हो ना, तो कहाँ नहाते हो आप लोग? बाथरूम में। और बाथरूम कहाँ होता है? हमारे घर में, ठीक है? और हाउस में। देन इट्स अ किचन, किचन कहाँ होती है? वो भी घर में ही होती है। और किचन में हम क्या करते हैं? खाना बनाते हैं, ठीक है? खाना बनाते हैं ना, मम्मा आपकी फूड कुक करती है ना किचन में, टेस्टी टेस्टी, शी कुक्स फूड फॉर यू ना, आपके लिए मम्मा आपके लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाती हैं, तो वो कहाँ बनाती हैं? किचन में। तो अ हाउस हैज मैनी रूम्स, अ हाउस हैज मैनी रूम्स, नंबर वन बेडरूम, नंबर टू ड्राइंग रूम, नंबर थ्री बाथरूम, एंड नंबर फोर किचन, ओके? सो दीज आर द रूम्स इन आवर हाउस, दिस इज द हाउस, ये क्या है? हाउस है, ये क्या है? हाउस है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट रूम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट रूम्स हैं, बेडरूम, ओके? देन बाथरूम, ओके? ड्रॉइंग रूम एंड किचन, ओके? सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स इन आवर हाउस, इन आवर हाउस, दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम्स इन आवर
हाउस. ओके ओके बेटा, अभी हम लोगों ने घर के बारे में पढ़ा और हमने ये भी पढ़ा कि उसमें कैसे कैसे रूम्स होते हैं. अब हम टाइप्स ऑफ हाउसेस पढ़ेंगे कि किस किस तरीके के घर होते हैं. ठीक है, जैसे कि नंबर वन, व्हाट इज दिस हट. व्हाट इज दिस हट, तो ये भी एक घर होता है. और ये कहाँ होता है? ये विलेजेस में होते हैं, गांव में होते हैं. ये घर किससे बने होते हैं? ये घर मिट्टी, घास, फूस से बनते हैं. और ये घर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं. ये घर स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं और इनकी एक ही बिल्डिंग होती है. इसके ऊपर हम दूसरा घर नहीं बना सकते क्योंकि ये मिट्टी, घास, फूस से बना होता है, तो वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं जिससे कि हम इसके ऊपर एक घर और बना दें. ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे नंबर टू, चलता फिरता घर. चलता फिरता घर, आपको पता है कि विलेजेस में लोग बैलगाड़ियों का यूज़ करते हैं जिससे कि वो अपने घर को एक जगह से दूसरे घर ले जाएं. ठीक है, ये इसके ऊपर अपना घर बनाते हैं और ये कहीं भी ले जा सकते हैं अपने इस घर को. इसको बोलते हैं मोबाइल हाउस या फिर कैरा वैन हाउस. ओके, ये चलता फिरता घर होता है, इसको हम कहीं भी ले जाकर यूज़ कर सकते हैं. ओके, अच्छा, अब आपको पता है एक और घर होता है जो कि सड़क पे नहीं, पानी में होता है. यस, डू यू नो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट हाउस? हाउस बोट. डू यू नो द नेम ऑफ दैट हाउस? हाउस बोट. पता है ये पानी में होता है, इसको हम सड़क पर नहीं बनाते, ये पानी में होता है. और इसमें हमारे घर जैसे सारी फैसिलिटीज़ होती हैं. इसको बोलते हैं बोट हाउस. इसको क्या बोलते हैं? बोट हाउस. ओके, सो दिस इज़ हट, दिस इज़ मोबाइल हाउस एंड दिस इज़ हाउस बोट. अब मैं आपको एक घर और बताऊंगी जो इन घर से सबसे अलग है. सबसे अलग क्योंकि वो घर जो है, पता है आप लोगों को किससे बना है? डू यू नो कि वो किससे बना है? यस, इट इज़ मेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग आइस. ये स्ट्रॉन्ग आइस से बना होता है. और इसको क्या बोलते हैं? इग्लू. क्या बोलते हैं? इग्लू हाउस. इट इज़ मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग आइस. ये स्ट्रॉन्ग आइस से बना होता है इसलिए इसको इग्लू बोलते हैं. और जो लोग इस घर में रहते हैं उनको एस्किमोस बोलते हैं. क्या बोलते हैं उनको? एस्किमोस. ये सबसे अलग घर होता है क्योंकि ये बर्फ से बना होता है. ओके, अब मैं आपको एक घर और बताती हूँ जिसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं और वो बहुत लाइट वेटेड होता है, बहुत हल्का होता है, जिसको कि हम कहीं भी ले जा सकते हैं. ओके, तो बताओ वो कौन सा घर है? उसको बोलते हैं टेंट हाउस. क्या बोलते हैं? टेंट हाउस. ये पता है आपको किससे बना होता है? ये नायलॉन और कैंपस से बना होता है और इसका वेट बहुत लाइट होता है, बहुत लाइट कि हम इसको कहीं भी ले जाकर अपना घर को खड़ा कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं. तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि हमें घर की क्यों ज़रूरत पड़ती है और घर में कौन कौन से रूम्स होते हैं. और हमने ये भी पढ़ा
कि किस किस तरीके के घर होते हैं, ठीक है। आपने कौन कौन से घरों के बारे में पढ़ा, टेंट हाउस, इग्लू हाउस, ओके इग्लू, देन व्हाट इज दिस, मोबाइल हाउस, ओके बोट हाउस, बोट हाउस एंड अ हट। सो दीज आर ऑल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज, दीज आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज, हट, ओके देन हाउस बोट, मोबाइल हाउस, इग्लू एंड अ टेंट, ओके। सो यू हैव स्टडीड अबाउट टाइप्स ऑफ हाउसेज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज एंड आर हाउस, यू हैव ऑल्सो स्टडीड अबाउट आर हाउस। आपने अपने घर के बारे में पढ़ा, उसमें कौन कौन से रूम्स होते हैं वो पढ़े, और किस किस तरीके के घर होते हैं आपने ये सब पढ़ा। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट आर हाउसेज। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।